अस्सलाम वालेकुम वियर सतारमोन हिदुन में हाजिर वियर। इस दफ़ा हम आपको एक नई फेंस आपको टेबल सा की बना के दिखाएंगे, थल जिन्हें इसे कहते हैं। ये टेबल वाली साइड पे ये थल इस्तेमाल होती है। आप जानते हैं मार्केट में नई से नई चीज़ आ रही है, तो इस दफ़ा हम आपको एक बिल्कुल नई चीज़ जो है वो बना के आपको फेंस आपको दिखाएंगे। इस फेंस में माइक्रो एडजस्टिंग सिस्टम भी होगा, यानी आप थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहें तो उसके लिए अलग सिस्टम होगा, और बाकी ओवरऑल भी थल जो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। अभी हम आपको स्टार्ट करते हैं और पूरा काम आपको दिखाते हैं। तो आइए व्यूअर हम स्टार्ट करते हैं टेबल सा की फैंस। ये सबसे पहले ये देखें, ये एक एंगल है और ये तकरीबन ये कितने mm का एंगल हमने लगाया पास गए जी वेर। ये एंगल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और ये एंगल है ये मैं आपको बताऊं कि ये पाँच, ये छः एम एम मोटा, और इस तरह करके ये तकरीबन दो इंच और ये भी 2 इंच, तो इसकी लंबाई है 10 इंच। अब हमने रखी है, लेकिन अगर आप 12 इंच रखें तो ज़्यादा मुनासिब है, तो 12 इंच यानी ये इसका सूटेबल साइज़ है। अभी हमने ये तकरीबन 10 इंच हमने इसको रखा है, और उसके बाद ये दो जो है ये 8 mm मोटी प्लेट है, ये 2 प्लेट और एक बैरिंग इसमें इस्तेमाल होता है, और एक बैरिंग के अंदर हमने ये वाली चीज़ डालनी है, ये सरिये का एक टुकड़ा, और उसके बाद ये चीज़, और उसके बाद ये चीज़, ये हमारी थल, और फिर छुड़ी वाला रॉड। तो अभी ये जो आपको हम दिखाएंगे अभी बना के, तो इसको ये देखें, सबसे पहले ये हमने जो लेंथ लिया है ये 1.5 इंच बाई 3 इंच इसका साइज़ है, यानी 1.5 इंच और 3 इंच, और लंबाई हमने इसकी रखी है 18 इंच इसकी लंबाई है। और इसको एक साइड से हमने ये देखें, ये इसी तरह की हमने पट्टी लगा के इसको एक साइड से बंद कर दिया। अब ये जो एंगल है इसके नीचे हमने ये देखें एक पतरी वेल्ड की है, ये देखें ये इसको सिर्फ यहाँ सेंटर से ही आपने इसको वेल्ड करना है, और ये ताकि इसमें इस साइड पे और इस साइड पे प्ले रहे। तो उसके बाद ये करके तो हम इसको अभी इस तरह करके जोड़ेंगे, और ये सारा काम मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपने अब इस पर ये हमने ये यहाँ पे नट लगाना है, और ये बोर हमने करना है। अब ये बोर जो है वो कहाँ पे रख के करें, हमने इसको वेल्ड कर दिया है ये देखें, और अब यहाँ पे रख के करें, यहाँ पे रख के करें, या यहाँ पे किस तरह करें, तो उसके लिए ये है कि आप ये एक सीधा आप ये लाइन आप खींच लें, और हैंडल को आपने कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है फुल। जब आप इसको बंद करें, जब आपने लॉक करना है इसको फुल, तो वो जगह आप पहले नोट करें कि जब ये लॉक हो तो हैंडल यहाँ पे रहे या यहाँ पे। मेरे हिसाब से हैंडल यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि बिल्कुल ऐसे करेंगे तो फिर आपको दोबारा उसे खोलने में मुश्किल होगा, बहुत नीचे चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसे करेंगे तो आपको आगे पीछे गुजरते हुए उसमें रुकावट हो सकती है। तो इस वजह से ये है कि इसको यहाँ पे करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ से खोलना भी आसान है और थोड़ा नीचे भी हो जाएगा, आपको तंग भी नहीं करेगा। तो अब आप ये इस लाइन के साथ इस यहाँ पे आप सीधी लाइन डाल दें जहाँ पे हैंडल को पकड़ के रखें, और ये देखें ये लाइन जो है हमने ये सीधी डाल दी ये, और अब हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने ये नट लगाना है। ये इस वक्त ये चीज़ शो करिए कि नट अगर यहाँ पे है तो ये इस वक्त फुल टाइट है और सारा बैरिंग आगे है। फिर अब आप जब इसको ऐसे करके ले आएंगे, ऐसे ऊपर करेंगे, तो ये देखें
नेट आपका इस साइड पे चला गया और ये बिल्कुल लूज़ हो गया। तो अभी हम यहाँ पे हम सुराख डालते सुराख। व्यूअर, ये सारा सामान हमने तैयार कर लिया है और अब इसको मैं जोड़ के आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये दो बैरिंग इसके अंदर मैंने डाल दिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो पत्री हमने लगाई है, ये वाली, तो इस पत्री में ये देखें, ये नीचे, ये अंदर हमने दो इस पर नट भी लगाए हुए हैं, ये वाली पत्री जिसके आगे यहाँ पर काबला वेल्ड होगा। और ये देखें, तो अभी हम इसको, ये चूड़ी वाला राड और दोनों साइड से मैंने बैरिंग साइज के कर लिया। और ये देखें, और इस साइड से भी। और अब इसको हम यहाँ पे रख के तो इसको जोड़ेंगे।
ये देखें, ये अभी हमने इसको इसके साथ ये वेल्ड कर लिया। आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे आप घुमा सकते हैं, और अगर आप खोलना चाहें तो यहाँ से ये देखें स्क्रू लगे हुए, और ये स्क्रू से आप इस राड को आप खोल भी सकते हैं। ये इस पर अभी मैं लगाऊंगा इसको, इसके साथ मैंने अभी लगाना है। तो इसमें इसके अंदर मैंने ये देखें लकड़ी डाल दी है इस तरह की, ये देखें लकड़ी इसके अंदर यहाँ पे, यहाँ तक पूरी मैंने इस पर इसके इस तरह करके मैंने लकड़ी डाल दी है। अब ये यहाँ पे एक नट लगाऊंगा और एक यहाँ पे लगाऊंगा। Thank you.
भाई। जी व्यूअर, ये देखें, ये अगर फ़र्ज़ करें कि आप कटिंग करते हैं और आपका इस एंची टेप के मुताबिक जो साइज़ वो नहीं आ रहा, यानी आप एंची टेप के ऊपर रखते 12 इंच और 2 सूत्र, और लेकिन अगर आप कार्ड के शीट को नापते हैं तो वो 12 इंच 1 सूत्र है, तो इसमें ये शीशा जो हमने लगाया इसमें एडजस्टिंग की इसमें हमने ये ऑप्शन रखा है कि आप इसको आगे पीछे करके अपना साइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें आपका एक सूत्र का फ़र्क आ रहा है, तो आप इसको ये ऐसे करके आप यहाँ पे दोबारा इसको टाइट कर दें। तो ये देखें, अब ये फ़र्क आपका 2 सूत्र तक इसमें ऑप्शन है कि आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपकी फेंस बिल्कुल तैयार है।
जी भैया, ये हमारा 8 फुट स्लैग वाला टेबल सर। जी भैया, आपने फेंस का मुकम्मल काम देख लिया। अगर आपके ख्याल में आपके जहन में कोई सजेशन हो, कोई तजवीज़ हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।